कभी युद्ध करना पड़ेगा, उसके विचारों को बदला, थॉट्स को बदला उसने, और अल्टीमेटली आपने देखा अर्जुन युद्ध के लिए तैयार हुए। ये विचार शक्ति है, विचार के द्वारा हर व्यक्ति में परिवर्तन लाया जा सकता है। अभी जो पर ये यहां चर्चाएं हो रही है, ये विचारों का एक आदान प्रदान है, इससे नई नई बातें मिलती। तो विचार अत्यंत महत्वपूर्ण है, और हमारे अट्टेवानी जी ने बताया इसके द्वारा कैसे रोग आता है, स्पष्ट बताया आपको। अब दूसरा जो है पॉइंट है आहार, आहार मैंने डाइट। इसके तीन रूप है, कितने रूप है? तीन रूप। पहला भोजन, जो माताएं बहनें घर में बनाती हैं, और कोई भी अतिथि घर में आता है हम क्या कहते हैं, आइए अतिथि महाशय जी भोजन ग्रहण कीजिए, ऐसा ही कहते हैं, आइए अतिथि महोदय जी भोजन ग्रहण कीजिए। लेकिन जब हम होटल में जाते हैं तो कभी कहते हैं ऐसा कि आज चलिए होटल में भोजन ग्रहण करने के लिए चल रहे, कभी ऐसा सुना? खाना खाने, क्या कहते हैं? खाना खाने चल रहा है। देखिए शब्दों का फेर, शब्दों का अंतर। घर में भोजन ग्रहण किया जाता है, होटल में खाना खाया जाता है। भोजन और खाने में अंतर आ गया। लेकिन एक तीसरा भी है, जो न तो भोजन की तरह ग्रहण किया जाता है और न ही होटल की तरह खाया जाता है, वो तीसरा क्या है? प्रसाद। जो न तो खाया जाता है न ग्रहण किया जाता है, वह पाया जाता है। प्रसाद पाइए ऐसा बोलते हैं, खाइए नहीं बोलते, ग्रहण कीजिए भी नहीं बोलते, प्रसाद पाइए। तो आप प्रसाद पा रहे हैं, खाना खा रहे हैं, या भोजन ग्रहण कर रहे हैं, डिपेंड्स अपॉन यू, आप निर्णय लीजिए क्या अच्छा रहेगा। यही तो है, हम जानते हैं लेकिन मानते नहीं है। सब जानते हैं लेकिन आज ध्यान रखना, आजकल प्रसाद में भी बड़ा प्रदूषण हो गया है, प्रसाद में भी कभी कभी समोसा कचौड़ी प्रसाद में मिल जाता है, गुलाब जामुन भी मिल जाता है, मावे की मिठाई मिल जाती है। इसलिए आजकल के प्रसाद से थोड़ा ध्यान रखें। पहले जमाने में प्रसाद में फल ही दिया जाता था, जो खाते हैं वही दे देते। तो आहार जो है अत्यंत महत्वपूर्ण है, खा खा कर मरने वालों की संख्या अधिक है, भूख से मरने वाले कम होते हैं। क्या कहा मैंने? खा खा कर मरने वालों की संख्या अधिक है, भूख से मरने वाले कम है। भूख से जब कोई मरता है दूसरे दिन अखबार में हेडिंग में आ जाता है, बिहार में दो भूख से मरे, और खा खा कर बड़ी बड़ी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटलों में रोज कितने लोग मर रहे हैं, कोई हिसाब किताब है? आप जाइए एम्स का कभी डाटा देख लीजिए, टाटा हॉस्पिटल मुंबई को देख लीजिए, जसलोक हॉस्पिटल को देख लीजिए, चेन्नई में जो अपोलो हॉस्पिटल देख लीजिए, कितनी बड़ी बड़ी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, वेदांता दिल्ली का हॉस्पिटल, कितने लोग खा खा कर मर रहे हैं, कोई हिसाब किताब नहीं है। हम नेचुरोपैथी जो डॉक्टर्स हैं ना, हम जनरली कहते हैं उपवास कीजिए, लेकिन लोग कभी क्या करते हैं मालूम है? अरे ये भूखों मारते, वो गालिब का एक शेर है, हम आह भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम।
हम आह भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, अर्थात हम उस उपवास कराते हैं तो लोग बाग कमेंट करते हैं कि ये भूखों मारते हैं, वो कत्ल भी कर डाले तो चर्चा ही नहीं होगी, उनको सर्टिफिकेट है मारने का। तो आहार जो है आपको स्वास्थ्य भी दे सकता है और रोग भी दे सकता है। हम डॉक्टर के पास जाते हैं, कोई भी तकलीफ होती है तो डॉक्टर के पास जाते हैं, तो शुरू शुरू में डॉक्टर क्या बोलता है, ये सब टेस्ट करवा के लाओ, एक साथ रिपोर्ट लाइएगा, एक साथ रिपोर्ट लाइएगा। हम बोलते हैं ओके। एक साथ रिपोर्ट लेके गए, रिपोर्ट देखकर डॉक्टर क्या करता है, प्रिस्क्रिप्शन बनाता है, ये टेबलेट, ये कैप्सूल, ये इंजेक्शन, ये दवाई, और हम कहते हैं भाई जाइए मेडिकल की दुकान पर, ये परचेस कर लीजिए। हम जेब भी ढीली करते हैं, डॉक्टर को थैंक यू भी बोलते हैं, और जाते जाते हर मरीज, किसी भी बीमारी का हो, हर मरीज धीरे से पूछता है डॉक्टर साहब क्या खाएं, पूछते हैं, अरे खा खा कर तो बीमार पड़े हो फिर भी पूछ रहे हो क्या खाएं, डॉक्टर तक बोलेगा सब कुछ खाओ, लेकिन ये गोली खाना मत भूलना। ये वर्तमान स्थिति है, इसलिए हम कहते हैं ना खाना बीमार भी कर सकता है और स्वास्थ्य भी दे सकता है। आहार का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है, आप केवल भोजन सुधार से 90% बीमारियों का कंट्रोल कर सकते हैं, केवल भोजन सुधार और कुछ भी मत कीजिए, करके देखिए, एक्सपेरिमेंट करके देखिए अपने ऊपर, और वो कौन सा भोजन हम खाएं अब इस विषय पर चर्चा करेंगे, आहार कौन सा लें। इस संबंध में मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, हम जो कुछ खाते हैं, व्हाट एवर वी ईट, शाकाहार हो, मांसाहार हो, रोटी हो, चावल हो, सब्जी हो, कुछ भी खाते हैं, फल है, रस है, जो कुछ खाते हैं अल्टीमेटली उसका क्या बनता है, बताइए, खून बनता है, और क्या बनता है, मल बनता है, ये दो चीजें बनती है, मल तो चार रास्तों से निकल जाता है, और खून जो है अच्छी चीज, खून बनती है, बनता है, और ब्लड ही पूरे बॉडी को चलाता है, ब्लड नहीं हो तो हम चल पाएंगे क्या, ब्लड ही पूरी बॉडी को चलाता है, ब्लड की कोई फैक्ट्री सुना है, कोई मैन्युफैक्चरिंग हो रहा हो, कोई इंडस्ट्री हो, ब्लड बैंक्स जरूर मिलेंगे, लेकिन ब्लड की फैक्ट्री पूरे वर्ल्ड में कहीं भी नहीं मिलेगी। आप यहां भाई ब्लड का मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, आज तक किसी भी वैज्ञानिक ने, कितना भी बड़ा वैज्ञानिक हो, ब्लड की एक बूंद भी लेबोरेटरी में बना के नहीं दिखाई, लेकिन हमारा ये शरीर बना रहा है, पता नहीं अंदर क्या हो रहा है, कौन से केमिकल चेंजेस हो रहे हैं, कौन सा मेटाबॉलिज्म हो रहा है, कौन से अंदर सुपर कंप्यूटर्स रखे हुए हैं, कुछ भी खाते हैं उसका ब्लड बन जाता है, क्या ये चमत्कार नहीं, आप इसको मानते हैं चमत्कार है या नहीं है, इतना बड़ा चमत्कार है भाई, बाहर वो बन नहीं सकता और अंदर हमारा शरीर
शरीर बना रहा है, अंदर क्या क्या हो रहा है कुछ पता ही नहीं। बहुत सारी चीजें अभी अनफोल्डेड है बॉडी के बारे में, नहीं जानते हम। थोड़े बहुत हमने विटामिन मिनरल्स सुन लिया, कैलोरी थ्योरी सुन ली, पता नहीं अभी और कितने विटामिन की खोजना हो सकती है आगे चलकर भविष्य में। बहुत सारी चीजें जो है ढकी हुई है अभी, पता ही नहीं। तो हम जो कुछ खाते हैं उसका क्या बन जाता है, ब्लड। हां, वैज्ञानिकों ने ब्लड के बारे में ये जरूर बताया है कि हमारा ब्लड जो है 80% अल्कलाइन है और 20% एसिडिक। समझ रहे इस बात को, हमारा ब्लड का जो कॉन्स्टिट्यूएंट है वो 80% अल्कलाइन। ये शायद कितने लोगों को समझ में बात नहीं आ रही होगी, जो केमिस्ट्री जानते हैं, केमिस्ट्री पढ़ा है जिन्हें, वो समझते होंगे कि अल्कलाइन क्या होता है और एसिडिक क्या होता है। अल्कलाइन माने हिंदी में उसको बोलते हैं क्षारीय, क्षारीय खारापन हो, और एसिडिक माने खट्टापन, अम्लीय। तो हमारा ब्लड जो है 80% क्षारीय है और 20% अम्लीय है, ये प्रूव किया हुआ है वैज्ञानिकों ने। शुद्ध ब्लड जो होगा 80% अल्कलाइन होगा और 20%। और जब तक ब्लड शुद्ध है आपको कोई बीमारी नहीं होगी। ब्लड जब अशुद्ध होता है तो बीमारी होती है। ब्लड अशुद्ध न हो तो हमें क्या करना होगा, ग्रीन जूस। नहीं, अभी मैंने बताया ना 80%। अब ब्लड काहे से बनता है, ब्लड काहे से बनता है, भोजन से बनता है ना। तो हमें जो है भोजन कितना परसेंट क्षारीय खाना चाहिए, 80%, और अम्लीय 20%। ये फार्मूला है, गोल्डन फार्मूला है ये, दिस इज ए गोल्डन फार्मूला। आहार का चुनाव करते समय हम ये ध्यान रखें कि हमें 80% जो है आहार क्षारीय हो, अल्कलाइन हो, और 20% एसिडिक हो, अम्लीय हो। एक बात बाकी रह जाती है इसमें कि हमें पता चले कौन सा भोजन क्षारीय है और कौन सा भोजन अम्लीय है, तो हम अकॉर्डिंगली चुनाव करें, फिर आसान हो जाएगी बात। क्षारीय जो भोजन है चार प्रकार के, कितने प्रकार हैं, चार प्रकार के भोजन, दे आर 100% अल्कलाइन। नंबर वन, याद रखिए, ये नोट करने की बात है और याद रखने की बात है। आप जानते हैं लेकिन मानते नहीं, बस मानना शुरू कर दो। नंबर वन, हर प्रकार के ताजे फल और सूखे मेवे जिनको रात को भिगोकर दूसरे दिन जो है ताजे मेवों की तरह उपयोग किया जा सकता है, ये 100% अल्कलाइन है। नंबर वन क्या हो गया, हर प्रकार के ताजे फल, और फल कैसे होने चाहिए, फलों में तीन क्वालिटी होनी चाहिए। नंबर वन, फ्रूट्स शुड बी रीजनल, रीजनल माने रीजनल होने चाहिए, आसपास के होने चाहिए, क्योंकि दूर से जो फ्रूट आता है ना उसमें केमिकल्स ज्यादा डले होते हैं। कश्मीर से सेब आएगा तो उसमें बहुत सारा जो केमिकल डाला जाता है, हैदराबाद से अंगूर आएगा या नासिक से अंगूर आता है, बहुत सारे केमिकल्स डाले जाते हैं। तो दूर से जो है जितने भी फल आते हैं वो उसमें जो है प्रिजर्वेटिव्स ज्यादा रहते हैं, इसलिए रीजनल होना चाहिए, आसपास के जितने भी फल होंगे उनमें
कम से कम प्रिजर्वेंट होते हैं, मिनिमम उसका उपयोग करें। इसलिए मैं सेब से ज्यादा अमरूद को प्रेफर करता हूं। मुझे यदि अमरूद और सेब दिया जाए तो मैं अमरूद खाऊंगा, भाई सेब नहीं खाऊंगा। तो एक बात हो गई, दे शुड बी रीजनल, और दूसरी बात दे शुड बी सीजनल। सीजनल माने सीजन के अनुसार। अब ठंड के दिन में हमको आम नहीं खाना है, उसमें ऐसा टेस्ट भी नहीं होगा और महंगा भी मिलेगा, इसलिए सीजनल होना चाहिए। और तीसरा ओरिजिनल होना चाहिए। तो ये तीन क्वालिटीज पर मैं देख लिया है, 100% जो है अल्पलाइन। हाँ। कंपैरेटिवली पौष्टिकता बढ़ जाती है, और जैसे स्प्राउट्स करते हैं ना, स्प्राउट्स में भी जो है पौष्टिकता बढ़ जाती है। तो ये पहली बात हो गई फ्रूट्स की। दूसरी बात, कच्ची खाने योग्य सब्जियां, रॉ ईटेबल वेजिटेबल्स। ईटेबल, ईटेबल माने खाने योग्य, हमें कच्चे आलू नहीं खाने, जो खा सकते हैं ऐसी सब्जियों को जो हम कच्चा खाएं, दे आर आल्सो 100% अल्कलाइन। जैसे ही हम उनको पकाते हैं या फ्राई करते हैं, फ्राई भी दो प्रकार से होता है, एक लाइट फ्राई और एक डीप फ्राई। लाइट फ्राई माने पापड़ जो अपन तलते हैं ना, उसी से मैं डालते हैं, झट से निकाल लेते हैं, ये लाइट फ्राई है। और डीप फ्राई, समोसे और कचौड़ी को देखिए कितनी देर तक तलते रहते हैं। हाँ, तो ये चाहे लाइट हो चाहे डीप फ्राई हो, दोनों नुकसानदार है। इसलिए कच्ची रॉ ईटेबल वेजिटेबल का उपयोग कीजिए, 100% वो अल्कलाइन है। तीसरी चीज, स्प्राउट्स, अंकुरित, अंकुरित अन्न भी 100% अल्कलाइन है, लेकिन हम कितना अंकुरित का उपयोग करते हैं, शोकिया करते हैं कभी कभी, और जनरली क्या करते हैं, उसकी रोटी बनाते हैं, चीला, बहुत सारे डिशेस बनाते हैं, उसको पहले तो उसका आटा बनाते हैं, और आटा बनाने वाली जो दुकान होती है उसको बोलते हैं बहुत बारीक पीसना, ऐसा कहते हैं ना। जैसे ही हमने अनाज को रोटी के रूप में लिया, वो एसिडिक हो जाते हैं। चावल को जैसे ही पकाया, वो एसिडिक हो जाते हैं। दाल को जैसे ही पकाया, वो एसिडिक हो जाते हैं। तो यहां एक बहुत बड़ा सवाल उठता है, चावल भी न खाएं, रोटी भी न खाएं, दाल भी न खाएं, तो क्या खाएं? बहुत बड़ा सवाल है। तो एक जो है वे आउट है, रोटी को हम कैसे 50% अल्कलाइन बना सकते हैं, ये माता बहने चाहे तो तेल उनका, तो 50% रोटी को अल्कलाइन बनाया जा सकता है। खाने वाले तो ये लोग हैं, ये जैसा बना के देंगे वो खा ले, तो इनके ऊपर जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी है 50% उसको अल्कलाइन बनाने की। कैसे, मैं वो तरीका बता देता हूं आपको, बहुत आसान तरीका है। आटा जो है मोटा होना चाहिए, पहली बात, आटा कौन सा होना चाहिए, और मल्टी ग्रेन होना चाहिए।
गेहूं के साथ मूंग भी हो, चना भी हो, सोयाबीन भी डाल सकते हैं, मेथी दाना भी डाल सकते हैं। तो मतलब मल्टीग्रेन आजकल रामदेव की दुकान पे मिल जाता है, मल्टीग्रेन आटा मोटा वाला, उसका उपयोग कर सकते हैं। और उसको पानी में गूंथना नहीं है, ये ध्यान रखने की बात है। आटे को उसको किसमें पानी में गूंथना नहीं है, किसी सब्जी की रस में गूंथिए या किसी भी सब्जी की पेस्ट बनाइए, मिक्सी में डालकर पेस्ट बनाइए, उस पेस्ट में आटे को डालिए और उसे लोई बनाइए और बेल कर जो है रोटी सेकिए। सेकने की भी कला है, ध्यान दीजिएगा, माताओं बहनों से निवेदन है, सेकते समय ध्यान रहे, बार बार उसको पलटिए और हाई फ्लेम पर कभी भी उसको सेकना नहीं चाहिए, लो या मीडियम फ्लेम हो उस पर उसको सेके, बार बार पलटते रहे रोटी को। मिट्टी की कढ़ाई, हाँ मिट्टी वाली कढ़ाई अच्छी है। हाँ मिट्टी वाली तो बहुत बढ़िया है, तावी जिसे बोलते हैं, तवा मोटा होना चाहिए सेकने वाला तवा, या यदि मिट्टी वाला मिल जाए तो और बढ़िया है, वो आजकल मिलने लगा है। हाँ उस पर सेकिए, बस ध्यान ये रहे कि उस रोटी को काला दाग नहीं लगना चाहिए और ऐसी रोटी सिकनी चाहिए जैसे बिस्किट रहता है, बिस्किट का कलर कैसे रहता है, सोनेरी ब्राउन, सोनेरी कह सकते हैं, ऐसी रोटी बननी चाहिए, कुरकुरी बनेगी, टेस्टी बनेगी और वो 50% अल्कलाइन होगी। तवे पर भी सेक सकते हैं, नहीं फुलाने का उसको कैसे, फुलेगा ही नहीं, फुलेगा ही नहीं जरूरी नहीं है फुले। आप ये ऐसा करके देखिए, बार बार पलटिए ना तो वो खातवे पर, हाँ बिल्कुल, मैंने काला दाग नहीं लगना चाहिए, काला दाग लग गया तो समझिए पक्का सेकने वाले का ध्यान और कहीं है। जिसका ध्यान जो है होगा वो रोटी को सेकने सेकते समय उसको काला दाग लगने नहीं दे। आप वो करके देखिए और खाइए, कितना मजा आता है खाने में, उसको कुरकुरी भी होगी, पौष्टिक भी होगी, 50% अल्कलाइन भी होगी। ओके, जैसे अभी ठंडियों में बाजरी के वो रोटले बनाते हैं अंदर सब्जियां डाल के, है ना, मेथी और ये सारी चीजें, तो है ना, लेकिन है ना फिर ऊपर से हमें ना लास्ट में ऐसे थोड़ा ऑयल लगा के वो करते हैं, तलते हैं थोड़ा थोड़ा, आप आय का दर्शन करवा दीजिए। नहीं तो ऑयल वो फिर लगाना चाहिए कि नहीं, लगा सकते हैं लेकिन ऑयल जो है फ्राई नहीं होना चाहिए, रोटी बन जाए उसके बाद ऊपर से लगा दे, उसको तलिए मत, पराठा बनाते हैं तो तलते हैं ना, फिर पलटते हैं उसको, फिर दोनों तरफ आग लगाते हैं, वो गलत तरीका है। एक बार सिक जाए उतार लो, थोड़ा सा शुद्ध घी लगा लो, थोड़ा सा, क्यों, फैट्स आर द वर्स्ट ऑफ ऑल, फैट जो है सबसे गंदी चीज है, उसका कम से कम उपयोग करें, ठीक है। मतलब ऑयल हमारे शरीर के लिए नीडफुल है कि नहीं है, फैट इज मस्ट फॉर बॉडी, लेकिन कितना मैं बताऊं आपको, 24 घंटे में एक दिन में ज्यादा से ज्यादा 15 ग्राम रोज एक व्यक्ति के लिए, 15 ग्राम टोटल, टोटल 60 बजे ही बदवाए, हिसाब लगा के देखिए। अब यदि 5 लोग घर में हैं तो कितने ग्राम चाहिए, 75 ग्राम, महीने में कितना चाहिए, 75
75 को 30 से करो 22 तो 2.5 किलो। और आप हिसाब लगाओ कितना किलो आपका यूज होता है महीने में। किसी का 16 किलो का डब्बा भी हो जाता है हो जाता है ना। और जो नेचुरल तेल मिलता है वो अलग है, जो फलों में सब्जियों में रहता है वो अलग है, मूंगफली में कह रहा हूँ ना, वो फल जो सब्जियां हैं वो खाते हैं उसमें अलग है। तो जितना मिनिमम हो सके फैट को कम से कम उपयोग करें। तो ये हो गया रोटी का 50% अल्कलाइन। अब चावल को अल्कलाइन कैसे बनाए 50%, उसके लिए भी अच्छा तरीका है, वो भी माताओं बहनों के हाथ में। आपको कभी कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा, पतला आटा होगा तो लई बन जाएगी, तो चिपक जाएगी आंतों से, कॉन्स्टिपेशन पैदा करेगी। चावल, आजकल चावल बाजार में ब्राउन राइस भी आते हैं, सुना है ना नाम ब्राउन राइस, वो उपयोग कीजिए। ब्राउन राइस या यदि वो काफी महंगे होते हैं, लेकिन सस्ते वाले भी राशन की दुकान पर जो है चावल मिलते हैं ना, मटमैले से, वो चमकदार चावल से ज्यादा स्वास्थ्यवर्धक है, सस्ते भी हैं। उनका जो छिलका एक बार निकला रहता है उसको पॉलिश किया हुआ नहीं होता है, और बाकी चावल सब को पॉलिश करते हैं, चमकदार बनाते हैं। हर चीज चमकदार चाहिए, दालें भी चमकदार चाहिए, चावल भी चमकदार चाहिए, आजकल वो एप्पल के ऊपर भी चमकदार जो है वो लेप लगाते हैं, एवरीथिंग तेल रिफाइंड, डबल रिफाइंड, ट्रिपल रिफाइंड, ऐसा तेल चाहिए। तो मैंने कहा ना, जितना हम ये दिमाग लड़ाते हैं ना, उस चीज की पौष्टिकता खत्म होती जाती है। आपने विमल छाजेड़ का किसी ने देखा है वीडियो? विमल छाजेड़, डॉक्टर विमल छाजेड़, आप दिल्ली,